हेलो गाइस एंड वेलकम टू एडवार मोटरबाइक। तो आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ होंडा शाइन 100cc BS6 फेस टू बाइक के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। नंबर वन पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आपको लुक बहुत अच्छा देखने को मिलता है शाइन 100 का, और ये CD 110 से लिया गया है तो ये दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं लगता। किसी को ये 110 cc की बाइक लगेगी लेकिन ये 100 cc की बाइक है, और साइज़ भी आपको अच्छा मिल जाता है। साइड प्रोफाइल से देखो तो साइड से कुछ आपको ग्रीन एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। यहाँ पर होंडा की बैजिंग आ जाती है, ब्लैक कलर की फिनिश, और यहाँ पर थोड़े बहुत वाइट स्टिकर्स भी देखने को मिल जाते हैं आपको। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट आपको बताता हूँ, फ्रंट से कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है अपने को शाइन 100। पूरी की पूरी CD 110 ही लगती है, साइड से अपन गौर से देखेंगे तो जब समझ में आता है कि शाइन 100 है, लेकिन ये आपको लुक में 110 cc की लगती है बाइक, 100 cc की नहीं लगती। यहाँ पर शाइन की बैजिंग आ जाती है ESP इन्हांस्ड स्मार्ट पावर। यहाँ पर आपको होंडा का इंजन मिलता है बहुत अच्छा, लेकिन आपको पता तो लुक्स पहला रीज़न क्यों होता है, क्योंकि 100 cc की बाइक लगती नहीं है, 110 cc वाली लगती है, इसलिए ज़्यादातर लोग थोड़ा बड़ा साइज़ मिलेगा तो उसके तरफ चले जाते हैं 100 cc की बाइक्स के अंदर। तो यहाँ पर पहला पॉजिटिव पॉइंट बनता है इसका लुक। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट आता है इसका सीट कंफर्ट। यहाँ पर सीट बहुत अच्छी मिलती है, राइडर हो या पिलियन दोनों बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है, लंबाई है, चौड़ाई है बहुत अच्छी आती है और सीट हाइट भी ज़्यादा नहीं आती। तो यहाँ पर कंफर्ट लेवल टॉप नॉच होने वाला है। लॉन्ग राइड्स हो या फिर अपन टूरिंग भी करना चाहते हैं इस बाइक पर तो कर सकते हैं आराम से, क्योंकि इसके अंदर एक सीट अच्छी मिल जाती है। सस्पेंशन सेटअप भी उस हिसाब से ट्यून किया है, और ये सिटी में ख़राब रास्तों पर या फिर हाईवे पर हो स्टेबिलिटी भी रह जाती है थोड़ी बहुत, क्योंकि 100cc बाइक्स में उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी को अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फिर भी आपको सीट कम्फर्ट अच्छा मिलने की वजह से, क्योंकि इसमें एक वजह बनता है शॉक अब्जॉर्बर, और दूसरा है सीट बहुत अच्छी रहने की वजह से आपको राइड बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल मिल जाती है। तो यहाँ पर दूसरा पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है इसका सीट कम्फर्ट को लेकर। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है टैंक कैपेसिटी। यहाँ पर आपको 10.5 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिलती है 10.5 लीटर की, तो इसका माइलेज जो है 70 तक जाता है, तो माइलेज के हिसाब से आपको टैंक कैपेसिटी अच्छी मिल जाती है। लॉन्ग राइड्स करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है टूरिंग के लिए, क्योंकि बार बार आपको पेट्रोल पंप के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर टैंक कैपेसिटी होंडा ने बहुत अच्छी दी है, तारीफ़ करना चाहूँगा मैं। और इसका पॉजिटिव पॉइंट नंबर 3 बनता है इसकी बड़ी टैंक कैपेसिटी 10.5 लीटर वाली। पॉजिटिव पॉइंट नंबर 4 आता है इसका वेट। इसका वेट बहुत ज़्यादा लाइट है, क्योंकि लाइट वेट बाइक है। यहाँ पर आपको 99 kg का कर्ब वेट देखने को मिलता है। अदर 100cc बाइक्स का इतना वेट कम नहीं आता जितना शाइन 100 का आता है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लाइट वेट बाइक मिलती है। भरे हुए ट्रैफिक में, बहुत ज़्यादा हेवी ट्रैफिक में जब आप बाइक राइड करेंगे तो आपको थकान महसूस नहीं होती, ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं होता बाइक को राइड करने के लिए, क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा लाइट आता है, लाइट वेट बाइक है। पावर टू वेट रेशियो भी बहुत अच्छा हो जाता है अपनी बाइक का, क्योंकि ये 99 kg की आती है। चौथा पॉजिटिव पॉइंट रहता है इसका लाइट वेट होना। पांचवें पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर रहता है इसका इंजन। इंजन मतलब इसके स्पेक्स की बात नहीं कर रहा, स्मूथ आता है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है, और इसकी आवाज़ भी आपको बहुत स्मूथनिंग देखने को मिल जाती है। फुल रिव्यू में आप चेकआउट कर सकते हैं इसकी आवाज़। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 100 cc का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2-वाल्व BS6 फेस 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जिससे आपको पावर मिलती है 7.28 PS की एट 7500 RPM। और यहाँ पर देखने को मिल जाती है टॉर्क 8 Nm का एट 5000 RPM, और इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं 4-स्पीड गियर बॉक्स। तो स्पेक्स कुछ ऐसे आते हैं। पांचवा पॉजिटिव पॉइंट इसलिए बन जाता है इसका इंजन, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड रिफाइंड है एज़ कम्पेयर टू अदर 100cc बाइक्स। पॉजिटिव पॉइंट भी इसके इंजन को लेकर है, वो है इसका माइलेज। 70 का माइलेज निकाल के देती है ऐसा कंपनी का कहना है, किसी को 75 भी मिलेगा, किसी को 80 भी मिलता है, ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं, लेकिन मैं कहूँगा आपको 70 का माइलेज आराम से निकाल के देगी अपनी शाइन 100। दूसरे 100cc बाइक्स में किसी को 60 का भी मिलता है, किसी को 65 का भी मिलता है, तो माइलेज लगभग 70 के नीचे ही जाता है दूसरे बाइक्स का, लेकिन आपको शाइन 100 में ये दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये छठा पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है शाइन का और इंजन का, क्योंकि शाइन 100 में आपको अच्छा इंजन मिलता है तो माइलेज भी अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ पर 6 पॉजिटिव पॉइंट बन के आता है इसका माइलेज। सातवां पॉजिटिव पॉइंट बनता है इसकी प्राइसिंग। 82,000 में ऑनरोड पड़ती है अपने अंजलि होंडा उदगीर शोरूम में ये बाइक। अगर आपको होंडा ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप अंजलि होंडा उदगीर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर और मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और रही बात इसकी प्राइसिंग की, तो 82,000 इसका पॉजिटिव पॉइंट नंबर 7 बनता है, और 82,000 में आपको दूसरे बाइक्स देखने को नहीं मिलते इतने अच्छे, जो कि सेल्फ स्टार्ट के फीचर के साथ आते हैं, जैसे कि अपनी HF डीलक्स हो गई, और शाइन 100 में तो आपको मिल ही जाता है, और अपने दूसरा हो गया स्प्लेंडर तो 90,000 के ऊपर मिलती है आपको। यहाँ पर 82,000 में आपको देखने को मिल जाती है शाइन 100, जो कि अच्छे फीचर्स के साथ साथ अच्छे लुक्स के साथ आती है और अच्छे इंजन के साथ भी आती है। सातवां पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है इसका प्राइसिंग।
तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको 7 पॉजिटिव पॉइंट बताए होंडा शाइन 100 सीसी वाली बाइक के। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइस बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।